ओम शांति। 27 दिसंबर 2023 की साकार मुरली है। ज्ञान के सागर प्यारे मीठे बाप दादा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, देवताओं से भी उत्तम कल्याणकारी जन्म तुम ब्राह्मणों का है, क्योंकि तुम ब्राह्मण ही बाप के मददगार बनते हो। प्रश्न, अभी तुम बच्चे बाबा को कौन सी मदद करते हो? मददगार बच्चों को बाप क्या प्राइज देते हैं? उत्तर, बाबा प्योरिटी पीस का राज्य स्थापन कर रहे हैं, हम उन्हें प्योरिटी की मदद करते हैं। बाबा ने जो यज्ञ रचा है उसकी हम संभाल करते हैं, तो जरूर बाबा हमें प्राइज देगा। संगम पर भी हमें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन जाते हैं और भविष्य में गद्दी नशीन बन जाते हैं। यही प्राइज है। गीत, पितु माद सहायक स्वामी सखा। ओम शांति। ये किसकी महिमा है? ये है परम प्रिय परम पिता परमात्मा, जिनका नाम शिव है, उनकी महिमा। उनका ऊंचते ऊंच नाम भी है तो ऊंचे ते ऊंचा धाम भी है। परमपिता परमात्मा का भी अर्थ है सबसे ऊंचे ते ऊंची आत्मा। और किसको भी परमपिता परमात्मा नहीं कहा जाता है, उसकी महिमा अपरंपार है। ऐसे कहते हैं कि इतनी तो महिमा है जो उसका पार नहीं पा सकते। ऋषि मुनि भी ऐसे कहते थे कि उसका पार नहीं पा सकते, वो भी नेति नेति कहते आए हैं। अब बाबा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। क्यों, बाबा का परिचय तो होना चाहिए, तो बच्चों को परिचय मिले कैसे? जब तक वह इस भूमि पर न आए तब तक और कोई उनका परिचय दे न सके। जब फादर शोज सन तब सन शोज फादर। बाप समझाते हैं, मेरा भी पाठ नूंधा हुआ है, मुझे ही आकर पतितों को पावन करना है। साधु संत भी गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम आओ, क्योंकि रावण का राज्य है। रावण कोई कम नहीं है, सारे सृष्टि को तमोप्रधान पतित किसने बनाया? रावण ने। फिर पावन बनाने वाला समर्थ राम है ना? आधा कल्प राम राज्य है तो आधा कल्प रावण का भी राज्य चलता है। रावण क्या है कि कोई नहीं जानते, वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं तो भी रावण का राज्य चलता रहता है, जलता थोड़ी है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा समर्थ है, तो रावण को राज्य करने क्यों देते हैं? बाप समझाते हैं, ये नाटक है हार जीत का, हेल और हेवन का। भारत पर ही सारा खेल बना हुआ है, ये बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं परमपिता सर्वशक्तिमान है तो खेल पूरा होने के पहले ही आएगा या आधे में खेल को बंद कर सकता है। बाप कहते हैं, जब सारी दुनिया पतित हो जाती है तब मैं आता हूं, इसलिए ही शिवरात्रि भी मनाते हैं, शिवाय नमः भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को फिर भी देवता नमः कहेंगे, शिव को परमात्मा नमः कहेंगे। शिव क्या ऐसा ही है जैसा बबूलनाथ में या सोमनाथ के मंदिर में है? बाबा पूछ रहे, क्या परमपिता परमात्मा का इतना बड़ा रूप है, शिवलिंग का रूप है, वह आत्मा का छोटा बाप का बड़ा है? क्वेश्चन आएगा ना, जैसे यहाँ छोटे को बच्चा बड़े को बाप कहा जाता है, वैसे परमपिता परमात्मा अन्य आत्माओं से बड़ा है और हम आत्माएं छोटी है। नहीं, बाबा ही खुद आंसर करते हैं, नहीं। बाप समझाते हैं, बच्चे मेरी महिमा गाते हो, कहते हो परमात्मा की महिमा,
परम्पार है, मनुष्य सृष्टि का बीज है, तो पिता को बीज कहेंगे ना। वह क्रिएटर है, बाकी जो इतने वेद, उपनिषद, गीता, यज्ञ, तप, दान, पुण्य, ये सब है भक्ति की सामग्री। इनका भी अपना टाइम है, आधा कल्प भक्ति का, आधा कल्प ज्ञान का। भक्ति है ब्रह्मा की रात, ज्ञान है ब्रह्मा का दिन। यीशु बाबा तुमको समझाते हैं, इनको अपना तन तो है नहीं। कहते हैं, मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूँ, राज्य भाग्य दिलाने लिए। अब ब्रह्मा की रात पूरी होती है, वही धर्म ग्लानी का समय आ पहुंचा है। सबसे जास्ती ग्लानी किसकी करते हैं? परमपिता परमात्मा शिव की। लिखा है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाश्य च दुष्कृते धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे नहीं, मैंने कल पहले कोई संस्कृत में ज्ञान दिया है, भाषा तो यही है, हर कल्प बाबा ने यही भाषा में ज्ञान दिया हिंदी में। तो जब भारत में देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले की ग्लानि होती है, मुझे ठिककर बित्तर में ठोक देते हैं, तब मैं आता हूँ। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, उसकी कितनी ग्लानि की है, उसको पत्थर ठिककर बित्तर में डाल दिया है। बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो, भारत है सबसे पुराना खंड जो कभी विनाश नहीं होता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य भी यहाँ ही होता है। ये राज्य भी स्वर्ग के रचयिता ने दिया है। अब तो वही भारत पतित है, फिर मैं आता हूँ, तब तो उनकी महिमा गाते हैं शिवाय नमः। इस बेहद के ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट नोंधा हुआ है, जो रिपीट होता है। जिसने ही कोई टुकड़ा निकाल हर का ड्रामा बनाते हैं, जिससे ही बाबा कहते हैं हर का पार्ट रिपीट होता है, परंतु उसमें से टुकड़ा निकालते हैं ड्रामा के पार्ट में से और उसमें से ड्रामा बनाते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे। यह है ईश्वरीय वर्ण, यह है तुम्हारा 84वें जन्म का भी अंत। इसमें चारों वर्णों का तुमको ज्ञान है, इसलिए ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच है। परंतु महिमा व पूजा देवताओं की होती है। ब्रह्मा का मंदिर भी है, परंतु कोई को पता नहीं कि इसमें परमपिता आकर, किसी को पता नहीं है कि इसमें परमात्मा आकर, अर्थात ब्रह्मा बाबा के रथ में परमात्मा आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जब स्थापना हो रही है तो विनाश भी चाहिए, इसलिए कहते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। अब वही बाप बच्चों को समझा रहे हैं, मीठे बच्चे, अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, मैं तुमको फिर से स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ, तुम्हारा हक है। परंतु जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे, उनको मैं स्वर्ग की प्राइस दूंगा, उन्हें भी पीस प्राइस आदि मिलती है। परंतु बाप तो तुम सबको स्वर्ग की प्राइस देते हैं, कहते हैं मैं नहीं लूंगा, मैं तुम्हारे द्वारा स्थापना कराता हूं तो तुमको ही दूंगा। तुम हो शिव बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा के बच्चे, इतने बच्चे तो प्रजापिता ब्रह्मा ही अडॉप्ट करते होंगे ना। ये ब्राह्मण जन्म तुम्हारा सबसे उत्तम है, ये कल्याणकारी जन्म है। देवताओं का जन्म या शूद्रों का जन्म कल्याणकारी नहीं है, ये तुम्हारा जन्म बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि बाप का मददगार बन सृष्टि पर प्योरिटी पीस स्थापन करते हो। वह इनाम देने वाले थोड़ी जानते हैं, वो तो कोई अमेरिकन आदि को दे देते हैं। बाप फिर कहते हैं, जो मेरे मददगार बनेंगे मैं उनको प्राइज दूंगा। फिर
प्योरिटी है तो सृष्टि में पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। ये तो वैश्यालय है, सतयुग है शिवालय, शिव बाबा ने स्थापन किया है। साधु सन्यासी है हठयोगी, गृहस्थ धर्म वालों को सहज राजयोग तो सिखा नहीं सकते। हर हजार बार गीता महाभारत पढ़े, ये तो सबका बाबा है। सभी धर्म वालों को कहते हैं कि अपना बुद्धि योग एक मेरे से लगाओ, शिव बाबा ही कहते हैं। मैं भी छोटा सा बिंदु हूँ, इतना बड़ा नहीं हूँ जो शिवलिंग का आकार बताते हैं। जैसी आत्मा वैसा ही मैं परमात्मा। आत्मा भी यहाँ भ्रकुटी के बीच में रहती है, इतनी बड़ी होती तो यहाँ कैसे बैठ सकती। मैं भी आत्मा जैसा ही हूँ, सिर्फ मैं जन्म मरण रहित सदा पावन हूँ और आत्माएं जन्म मरण में आती है। पावन से पतित और पतित से पावन होती है। अब फिर से पतितों को पावन बनाने के लिए बाप ने ये रुद्र यज्ञ रचा है। इसके बाद सतयुग में कोई यज्ञ नहीं होता। फिर द्वापर से अनेक प्रकार के यज्ञ रचते रहते हैं। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ सारे कल्प में एक ही बार रचा जाता है। इसमें सब की आहुति पड़ जाती है, फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। यज्ञ रचते हैं तब कोई आफतें आती है, यज्ञ तब रचते हैं जब कोई आफतें आती है। बरसात नहीं पड़ती है वा अन्य कोई आफतें आती है तो यज्ञ करते हैं। सतयुग त्रेता में तो कोई आफतें आती नहीं। इस समय अनेक प्रकार की आफतें आती है, इसलिए सबसे बड़े सेठ शिव बाबा ने यह यज्ञ रचवाया है तो पहले से ही साक्षात्कार कराते हैं। कैसे सब आहुति पड़नी है, कैसे विनाश होना है, पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, तो फिर इस पुरानी दुनिया से क्या दिल लगानी है। इसलिए तुम बच्चे बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। वह सन्यासी तो सिर्फ घर बार का संन्यास करते हैं, तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है। यहाँ गृहस्थ व्यवहार संभालते भी इससे सिर्फ ममत्व तोड़ना है। ये सब मरे पड़े हैं, इनसे क्या दिल लगाना। ये तो मुर्दों की दुनिया है, इसलिए कहते हैं कि परिस्थान को याद करो। कब्रिस्तान को क्यों याद करते हो? बाबा भी दलाल बन तुम्हारी बुद्धि का योग अपने साथ लगाते हैं। कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ये महिमा भी उनकी है। कलयुगी गुरु को पतित पावन कह नहीं सकते, वह सदगति तो कर नहीं सकते। हाँ, बाबा कहते हैं कलयुगी गुरु तो सदगति कोई कर नहीं सकते। हाँ, शास्त्र सुनाते हैं, क्रिया कर्म कराते हैं। शिव बाबा का कोई टीचर गुरु नहीं है। बाबा तो कहते हैं, मैं तो तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूं। फिर सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो, वह कैसे बनते हैं? लड़ाई से? नहीं, न लक्ष्मी नारायण ने लड़ाई से राज्य लिया, न राम सीता ने। इन्होंने इस समय माया से लड़ाई की है। तुम इनकॉग्निटो वॉरियर्स हो, इसलिए तुम शक्ति सेना को कोई जानते नहीं। तुम योग बल से सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुमने ही विश्व का राज्य गवाया है, फिर तुम ही पा रहे हो। तुमको प्राइज देने वाला बाप है। अब जो बाप के मददगार बनेंगे उनको ही आधा कल्प के लिए पीस प्रॉस्पेरिटी की प्राइज मिलेगी। बाबा मददगार उन्हें कहते हैं जो अशरीरी होकर बाप को याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, शांति धाम स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद कर पवित्र बनते हैं।
कितना सहज है। हम आत्मा भी स्टार है, हमारा बाप परमात्मा भी स्टार है। वो इतना कोई बड़ा नहीं है, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो, इसलिए पूजा के लिए इतना बड़ा बना दिया है। पूजा तो पहले बाप की होती है, पीछे दूसरों की होती है। लक्ष्मी नारायण की कितनी पूजा होती है? वो कहते लक्ष्मी नारायण की तो काफी पूजा हुई है। तो बाबा कहते हैं परंतु उनको, अर्थात कि लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला कौन? सबका सदगति दाता बाप, बलिहारी उस एक की है ना। उनकी जयंती अर्थात बर्थ डायमंड तुल्य है, बाकी सब के बर्थ कौड़ी तुल्य है। शिवाय नमः, ये उनका यज्ञ है, तुम ब्राह्मणों से रचवाया है। कहते हैं जो मुझे प्योरिटी पीस स्थापन करने में मदद करेंगे उनको इतना फल दूंगा। ब्राह्मणों से यज्ञ रचवाया है तो दक्षिणा तो देंगे ना। इतना बड़ा यज्ञ रचा है और कोई भी यज्ञ इतना समय नहीं चलता है। कहते हैं जो जितना मुझे याद करेंगे उतनी प्राइस दूंगा। सबको प्राइस देने वाला मैं हूं, मैं कुछ नहीं लेता हूं, सब तुमको देता हूं। अब जो करेगा सो पाएगा, थोड़ा करेगा तो प्रजा में चला जाएगा। गांधी को भी जिन्होंने मदद की तो प्रेसिडेंट मिनिस्टर आदि बने ना। ये तो है अल्पकाल का सुख। बाप तो तुमको सारे आदि मध्य अंत का ज्ञान दे, आप समान त्रिकालदर्शी बनाते हैं। कहते हैं मेरी बायोग्राफी को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। सन्यासी थोड़े ये ज्ञान दे सकते हैं, उनसे वर्षा क्या मिलेगा? वह तो गद्दी भी एक को देंगे, बाकी को क्या मिलता है? बाबा तो तुम सबको गद्दी देते हैं, कितनी निष्काम सेवा करते हैं। और तुमने तो मुझे ठिक्कर भित्तर में डाल कितनी ग्लानी की है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। जब कौड़ी जैसे बन जाते हो तब तुमको हीरे जैसा बनाता हूं। मैंने तो अनगिनत बार भारत को स्वर्ग बनाया है, फिर माया ने नरक बनाया है। अब अगर प्राप्ति करनी है तो बाप के मददगार बन, सच्ची प्राइज ले लो, इसमें प्योरिटी फर्स्ट है। बाबा सन्यासियों की भी महिमा करते हैं, वह भी अच्छे हैं जो पवित्र रहते हैं। ये भी भारत को थमाते अर्थात कि गिरने से बचाते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। परंतु अब तो भारत को स्वर्ग बनाना है तो जरूर घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना पड़े। बाप दादा दोनों बच्चों को समझाते हैं, बाप और दादा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों भी बच्चों को समझाते हैं। शिव बाबा इस पुरानी जुत्ती अर्थात ब्रह्मा बाबा द्वारा बच्चों को राय देते हैं, नहीं ले नहीं सकते क्योंकि जन्म तो लेते नहीं है, माता के गर्भ में तो आते नहीं, पतित दुनिया पतित शरीर में ही आते हैं। इस कलयुग में तो है ही घोर अंधियारा, घोर अंधियारे को ही सोजरा बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस बेहद की दुनिया का दिल से संन्यास कर अपना ममत्व मिटा देना है, इससे दिल नहीं लगानी है। दूसरी पॉइंट, बाप का मददगार बन प्राइज लेने के लिए अशरीरी बनना है, पवित्र रहना है। बाप का मददगार बन प्राइज लेने के लिए बाबा चार पॉइंट्स बोलते हैं।
अशरीरी बनना है, दूसरा पवित्र रहना है, तीसरा स्वदर्शन चक्र फिराना है और चौथा स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। आज का वरदान, विशेषताओं को सामने रख सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भव। इसका विश्लेषण, अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचो तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। ये निश्चय रखो कि बाप सर्वशक्तिमान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुंचे कि पहुंचे। ऐसे सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न बनते हैं। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा की असीम को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय हो, तब विजयी बनेंगे। स्लोगन, प्योरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हर की आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। प्योरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षणों से न्यारे हो जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा, माया के सर्व बंधनों से मुक्त रहना है तो सदा बाप दादा के दिल तख्त पर रहो। इस तख्त पर रहने से माया कुछ नहीं कर सकती। ऐसी दिल तख्त नशीन आत्माएं शरीर के बंधन से भी सहज ही मुक्त हो सकती है। ऐसी दिल तक नशीन आत्माएं, बाबा कहते शरीर के बंधन से भी सहज मुक्त हो सकती। फाइनल पेपर है अंत मती सो गति, अंत में सहज रीति शरीर के भान से मुक्त हो जाए, ये है पास विद ऑनर की निशानी। लेकिन ये तब हो सकेगा जब शरीर रूपी चोला टाइट न हो। आज का स्वमान है, मैं दिल तख्त नशीन हूँ, मैं दिल तख्त नशीन हूँ। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। आज रात्रि क्लास 9:15, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 5:45। ओम शांति। शुभ दिवस।